नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों YouTube चैनल पर। कैसे आप सब, आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, थोड़ा धीरे माइक नहीं लेकर आई हूँ, इसीलिए क्या हो रहा है कि आवाज़ हो सकता है इको होकर आए, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ 5 ऐसे उपाय आप सभी से शेयर करूँगी जिसे अगर आप कर लेते हैं किस दिन, मंगलवार वाले दिन यानी कि धनतेरस के दिन, तो सदैव के लिए माँ लक्ष्मी का वास आपके घर पर होगा। कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो 5 आपको करने हैं, कल भी मैं धनतेरस के बारे में ही वीडियो अपलोड करूंगी, तो मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हर एक दिन में अलग अलग चीज़ें धनतेरस के बारे में मैं बताऊंगी जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही काम आने वाले हैं। करना क्या है आपको, 5 चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर खरीदनी है, जो कि है सबसे पहले धनिया। धनिया का बीज धनतेरस के दिन अगर आप घर में खरीद के लाते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर पर होता है। नई झाड़ू को भी आप घर पर ज़रूर खरीद के लाएंगे, लेकिन याद रखिए पुरानी वाली झाड़ू का इस्तेमाल आपको धनतेरस का दिन करनी है, अमावस्या वाले दिन भी यानी कि दीपावली के दिन में भी करनी है, करके उसके बाद उसको फेंक देना है। जो झाड़ू आप धनतेरस के दिन खरीद के लेके आ रहे हैं उस झाड़ू को आपको एक मौली सोता उसके हैंडल में ज़रूर बांध देना है, उसकी पूजा करनी है। पूजा के स्थान पर रखकर पूजा नहीं करनी, जहाँ पर भी आप झाड़ू रखते हैं वहाँ पर रख के करनी है। इसके अलावा आपको क्या करना है, चलिए बताती हूँ। तीसरी चीज़ है आपको जो खरीद के लेके आनी है वो है गोमती चक्र। 11 के मात्रा में गोमती चक्र ज़रूर से ज़रूर खरीदिए, जिससे आपके घर पर पैसों की कभी भी तंगी नहीं आएगी। इसके अलावा 5 या फिर 11 के मात्रा में ही मैं कहूँगी कौड़ियाँ खरीदनी हैं आपको, जो कि आपको लक्ष्मी का वास माना जाता है। कौड़ी में पीली कौड़ी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी कौड़ी आप लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो लेकर आना है वो है हल्दी की गांठ, जो कि 11 के मात्रा में ही होनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर 11 के मात्रा में नहीं होता तो फिर आपको इसमें 5 भी ला सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लाल रंग का एक कपड़ा आपको ख़रीदना है जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको डाल देनी है, डाल कर इसकी पोटली बनाकर माता लक्ष्मी के सामने रखना है। रखना क्या क्या है, धनिया, पीली कौड़ी, गोमती चक्र और उसके बाद मैंने जो कहा आपको हल्दी की गांठ, और आपको उसमें डालना है 11 सिक्कों को डालेंगे उसके अंदर और उस पोटली को हम कर देंगे लॉक। उसके ऊपर से थोड़ी सी बिना टूटी हुई चावल लौंग 5 डालना है, बिना फूल के नहीं करना आपको, फूल वाले लौंग ही डालना है। 5 इलायची आपको डालनी है, 1 दालचीनी का टुकड़ा भी उसमें डालना है और तेज पत्ते पर आपको लिखना है श्रीम, जो कि आप हरे पेन से लिखेंगे और इसको भी आपको रखना है। ये सारी चीज़ों को आप पोटली नहीं करेंगे, पोटली जो मैंने कहा वो कर लिया, और इसको अलग से आपको रखकर पूजन करनी है। 13 दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने की विधि क्या है, दीपक में आपको नीचे 1-1 रुपये का सिक्का रखना है, उसके ऊपर 1-1 करके कौड़ियाँ रखनी है, 13 कौड़ी आपको अलग से लेना है, और इसकी रुई की बाती आप लगाएंगे, घी डालेंगे, शुद्ध घी डालकर इन 13 दीपकों को आप केसर में रंगे हुए चावलों को नीचे आसन देकर दीपक प्रज्वलित करना है। माता लक्ष्मी का पाठ आपको करना है, वहाँ बैठकर श्री शुक्त का पाठ आप कर सकते हैं, वहाँ बैठकर आप कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। याद रखिए, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख रहे होंगे उनको ही पता है कि लक्ष्मी जी की आरती मैं बिल्कुल भी मना करती हूँ करने के लिए। लक्ष्मी जी को हमें जाने के लिए नहीं कहना, उनको अपने घर पर, अपने दुकान पर, अपने स्थान पर सदैव के लिए निवास करने के लिए कहना, तो आरती नहीं गानी है, इस तरह से पूजन करना। बाकी का क्या प्रोसेस है, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन ये खास चीज़ें ज़रूर खरीदिए। और क्या खरीदना चाहिए आपको, आपको नमक ज़रूर से ज़रूर खरीदना चाहिए। नमक खरीदेंगे और उसको एक कांच के बर्तन में ही डालेंगे और उसमें आपको 5 लौंग फूल वाले या 2 लौंग फूल वाले डाल के रखना है। इसको आप यूज़ नहीं करेंगे उस दिन, धनतेरस में आपको जस्ट लेकर आना है और उसको भरने में डाल के रखना है। आपको प्रयोग में लाना है उसको दीपावली वाले दिन से। पुराने नमक का क्या करें, पुराने नमक का भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चीज़ खरीदनी है आपको, पीला सरसों लाइएगा धनतेरस के दिन, अपने घर पर छिड़क दीजिएगा, चारों तरफ छिड़क दीजिएगा, उसके नेक्स्ट डे जब आप घर झाड़ू लगाएंगे तो सारी चीज़ों को झाड़ कर बाहर कर देना। इसके अलावा आपको क्या खरीदना है, कोई भी सोना का सामान, चांदी का सामान खरीद सकते हैं। चांदी का कुछ नहीं तो 1 ग्राम का भी सिक्का अपने घर पर ज़रूर खरीद के लाइए, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, तो ऐसा आपको करना ही करना है। आशा करती हूँ वीडियोस पसंद आ रहे होंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर। धन्यवाद।